इस फायर के सीरीज में फायर को स्टार्टिंग से एंड तक सिखाने वाला हूँ इस सीरीज में सीखने वाले हैं फायर को रिएक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं और फायर के सभी फीचर्स को सीखने वाले हैं ये फायर का सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगा और जितना भी फायर का मटेरियल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहूंगा ये फायर का डॉक्स बनाया गया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस डॉक्स में पढ़ेंगे व्हाट इज फायर और फायर के फीचर्स फायरवेस क्या है फर्स्ट पॉइंट यह है कि फायरवेस गूगल का एक प्रोडक्ट है जो डेवलपर्स को अपने एप्स को आसानी से बनाने मैनेज करने और ग्रो करने में हेल्प करता है सेकेंड पॉइंट है फायरवेस के हेल्प से अपने एप्स को तेजी से और मोर सिक्योर वे से बिल्ड कर सकते हैं थर्ड पॉइंट है फायरवेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड आईओएस, वेब एंड यूनिटी के लिए फोर्थ पॉइंट है फायरबेस डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस नो एस्कुअल यूज करता है व्हाट इज़ फायरबेस आपको समझ आ गया होगा अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ फायरबेस पढ़ेंगे फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन में आप अपने यूजर को डेवलप और मेंटेन करते हैं और ये कुछ प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है गूगल से आप अपने यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं फेसबुक से ट्विटर से गेटअप से मोबाइल नंबर से यूजर का ईमेल और पासवर्ड से भी यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते तो ये आपका ऑथेंटिकेशन है देन सेकेंड फीचर है क्लाउड फायर स्टोर क्लाउड फायर स्टोर एक नो स्क्वेल डॉक्यूमेंट डेटाबेस है जो आप इसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट टाइप का डेटाबेस रहेगा और इसमें आप डेटा को ऐड कर, कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं इसका ये फीचर है और डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं एक क्रड एप्लीकेशन को बना सकते हैं क्लाउड फायर स्टोर के हेल्प से थर्ड फीचर है होस्टिंग फायरबेस प्रोवाइड करता है होस्टिंग अप्लीकेशन के लिए या वेब अप्लीकेशन के लिए अपने वेबसाइट बनाया और वेबसाइट को होस्ट करना है तो आप फायरबेस के होस्टिंग पे होस्ट कर सकते हैं बट अभी के टाइम वर्सेल सभी लोग यूज़ कर रहा है और ईजी भी है तो ठीक है फायरवेस होस्टिंग भी सीख सकते हैं तो इस सीरीज में फायरवेस होस्टिंग भी सिखा दूंगा फोर्थ फीचर है स्टोरीज ये बहुत ही अच्छा स्टो जैसे आप अपने वेब एप्लीकेशन में इमेजेस को स्टोर कराना चाहते हैं तो स्टोरेज का यूज कर सकते हैं फिफ्थ है फायरवेस क्लाउड मैसेजिंग एफ एफ एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है सर्वर और एप्लीकेशन के बीच में जैसे आप सर्वर से अपने एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं तो आप एफ का यूज करेंगे ये आपका फायर का फीचर है तो आपको व्हाट इज फायर और फीचर्स ऑफ फायर समझ आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में